झालावाड़ जिले के भवानी मंडी थाना पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 357 किलोग्राम मादक पदार्थ डोडा चूरा के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी ट्रक से मैग्नीसाइट ईट परिवहन के बहाने मादक पदार्थ की तस्करी कर रहे थे। मामले की जानकारी देते हुए भवानी मंडी DSP गोपीचंद मीणा ने बताया कि पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन के निर्देशन पर जिले भर में मादक पदार्थ तस्करों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत भवानी मंडी थाना पुलिस ने मुखबिर द्वारा मिली सूचना के आधार पर पीपलिया गांव के जुल्मी तिराहा के समीप नाकेबंदी की और इसी दौरान सामने से आ रहे एक ट्रक को संदेह के आधार पर रोककर तलाशी ली, जिसमें मैग्नीसाइट ईट के बंडलों के बीच छुपाकर 18 थैलों में भरकर रखा मादक पदार्थ डोडा चूरा बरामद हुआ, जिसे पुलिस ने जब्त कर आरोपी ट्रक चालक तरसीम सिंह व बाबा सिंह निवासी संगरूर पंजाब को NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक महोदय झालावाड़ द्वारा अवैध कार्यों के खिलाफ जो अभियान छेड़ा हुआ है, उसी के तहत आज भवानी मंडी थाना इंचार्ज धर्मराज उप निरीक्षक के द्वारा पीपलिया चौराहे पर नाकाबंदी के दौरान एक आइसर ट्रक को रोककर, पंजाब नंबर का था, दो व्यक्ति जिसमें एक तरसेम सिंह जो ट्रक ड्राइवर था और उसके साथ एक बाबा सिंह नाम का व्यक्ति था जो संगरूर जिले डिस्ट्रिक्ट पंजाब के रहने वाले हैं, दोनों की तलाशी में 18 बोरों में भरा हुआ अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा जिसका वजन कुल 357 किलो हुआ है बरामद किया है। इस संबंध में कार्रवाई की जाकर प्रकरण दर्ज किया गया है और इस संबंध में अनुसंधान जारी है। प्रारंभिक जानकारी में ये तथ्य सामने आई कि 22 नवंबर को इंदौर से मैग्नीशियम की ब्रिक्स भरकर इस गाड़ी में ले जाई जा रही थी जो पंजाब में डिलीवरी देनी थी। इन दोनों के द्वारा बीच वाले रास्ते में रतलाम के आसपास से ये मादक पदार्थ लोड किया गया है। इस संबंध में अनुसंधान जारी है। इन दोनों के आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में भी इनके मूल निवास और मूल थाने से जानकारी प्राप्त की जा रही है।